हे गाइस, अगेन वेलकम। आज पोजीशन मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में बनाने वाला हूँ, तो अभी M&M को मैं शॉर्ट करूँगा। 384.85 के ऊपर थोड़ा सा मिलता है, 85 तक मिलता है, तो इसको शॉर्ट करूँगा। थोड़ा नीचे नहीं शॉर्ट करूँगा, सो अभी वेट कर रहा हूँ। रीज़न क्या है इसके पीछे, देखिए ये मैं आपको 1 मिनट के ऊपर बता देता हूँ, यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। देखिए ये नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट दे चुका है, मेरा यही मानना था कि हम ऊपर से शॉर्ट करेंगे इसको, और इसने वही चीज़ की। बट ये बड़ी तेज़ी से नीचे आ गया, इसने मुझे पोजीशन लेने का मौका भी नहीं दिया फ्यूचर्स के अंदर। और ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था अपने, ठीक है, 50 क्वांटिटी को मैं नियर अराउंड कैश में शॉर्ट कर चुका हूँ। अभी 379 तक का गाइज मेरा टारगेट है इसके अंदर। लेट्स सी, वो टारगेट मुझे मिल जाता है तो वेल एंड गुड। अभी जो इसके अंदर मेरा SL होगा गाइज, मैं आपको वो चीज़ बता दूं कि वो ये वाला लेवल है, मतलब यहाँ पे 388.60 का गाइस इसके अंदर मेरा SL है। मैंने इसको 86 पॉइंट कुछ पे शॉर्ट किया है। मैंने ग्रुप के अंदर मैसेज भी किया था कि भैया देख लो जिसको शॉर्ट करना है, अब पता नहीं किस किसने शॉर्ट किया है। तो अभी हम 388.65 का SL लगा देते हैं। आई बिलीव ये और नीचे जाएगा एंड 379 तक जाने की यहाँ से पूरी इसकी कोशिश जो है वो होगी, ठीक है। तो अभी 127 के प्रॉफिट, 120 के प्रॉफिट के साथ अब चल रहे हैं। चलिए वेट करते हैं। फ्यूचर्स में तो मैं शॉर्ट नहीं कर पाया, एंड चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड है, और आज ये मैं अपने अकाउंट में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ये क्लाइंट के अकाउंट में है। यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हैं कितनी है, ठीक है, 2 लाख से ऊपर का वैल्यू है यहाँ पे। तो चलिए वेट कीजिए, फर्स्ट दिन है आज सेमको के अंदर, तो मैं अभी छोटे छोटे ट्रेड्स ही लूँगा। इसके बाद देखूंगा, जैसे मुझे ट्रेड लेने होंगे तो मैं लूँगा बड़े वाले, ठीक है। तो चलिए गाइस, अभी ये अपनी सपोर्ट के पास आया हुआ है यहाँ पे, देखते हैं इसको होल्ड कर पाता है या फिर होल्ड नहीं करता है। एक बार आई बिलीव कि बाउंस मारे ऊपर की तरफ, और उसके बाद हो सकता है यहाँ पे मेरा SL हिट कर जाए, कोई इश्यू नहीं है। देखिए हमने 386.10 पे शॉर्ट किया है, -388.65, तो नियर अराउंड 2 रुपये 55 पैसे का मैंने जो SL है वो लिया हुआ है, इंटू 50 क्वांटिटी, यानी कि 127 रुपीज़ का रिस्क है, और जो कि मुझे प्रॉफिट हो रहा था वो वाला। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। हे गाइस, M&M नीचे 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 ही आता जा रहा है, एंड इस लाइन के पास कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, बट मैंने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया है। नियर अराउंड 50 क्वांटिटी को मैंने शॉर्ट किया है, 3 रुपये से ज़्यादा की मूवमेंट मुझे इसके अंदर मिल चुकी है। हे दोस्तों, अगेन वेलकम। 10:21 हुए हैं, M&M नीचे 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 ही जाता जा रहा है, एंड 172-167 का प्रॉफिट हो रहा है। फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर पाया, कोई इशू नहीं है गाइस, लेकिन चलिए मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ इसके अंदर, सो दैट्स ए थिंग। तो देखिए अभी ये नीचे 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 आता जा रहा है, होप सो आज काफ़ी नीचे जाएगा ये, जैसा सोचा हुआ है, जैसा एक्सपेक्टेड है, वही चीज़ M&M के अंदर होगी। और आप देख सकते हो कितनी तेजी के साथ ये नीचे आया है, और प्रॉफिट जो है वो 187 का अभी हमें हो रहा है गाइस। इसको मैंने शॉर्ट किया था 86.25 पे, मैंने सबको कहा था 86.10 के नीचे शॉर्ट करना, होप सो सब लोग प्रॉफिट कमा रहे होंगे इसके अंदर अभी। तो अभी देखो ये यहाँ से चलना शुरू हुआ था, अगर इसको ब्रेक कर दिया गाइस, इसको भी ब्रेक कर दिया, होप सो। अब चलिए अपना जो SL है वो गाइस हम यहीं पे रखेंगे, इतनी दूर का SL नहीं रखेंगे। अभी हम एक काम करेंगे, अपना जो SL है वो 88 के बजाय 88.10 कर देते हैं, ठीक है, इतनी ऊपर थोड़ी ना जाएगा अब। चलो 88.10 का गाइस मैंने SL लगा दिया, देख सकते हो कितनी तेज़ी से ये नीचे आया है, एंड वी आर इन प्रॉफिट, 182 रुपीज़ के साथ प्रॉफिट के साथ चल रहे हैं। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। हे गाइस, अगेन वेलकम। M&M ऊपर आ चुका है, और जो सारा का सारा हमारा प्रॉफिट था वो माइनस में तब्दील हो गया है। 180 तक का हमारा प्रॉफिट था, जो कि अगर अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, 7.5 रुपये का लॉस अभी हमको देखने को मिल रहा है। तो गाइस अभी क्या करना है, अभी हम फ्यूचर के अंदर ट्राई मारेंगे इसका, इतनी जल्दी रिकवर किया है, सो देखते हैं। M&M फ्यूचर्स सेल करूंगा मैं इसको अगेन, और फ्यूचर्स के अंदर अगेन सेल करूंगा मैं, पहले मैंने कैश में किया हुआ है, अभी फ्यूचर्स के अंदर करूंगा। लेट्स वेट करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है ऊपर की तरफ। ये कैंडल बनी है एक सेलिंग वाली, अब यहाँ से नीचे आना चाहिए। तो गाइस मैं एक छोटा सा डे हाई का SL लगा के एक बार यहाँ पे इसको ज़रूर शॉर्ट करना चाहूँगा, 386.45 पे, ठीक है। टारगेट होगा यहाँ से मेरा सिर्फ 3 रुपये का,
और SLB गाइस यहाँ से 3 रुपये का ही होगा, ठीक है। तो चलिए ट्रेड करते हैं 86.45 पे, ये मैंने एग्जीक्यूटेड कर दिया। फ्यूचर्स के अंदर गाइस अभी मैंने पोजीशन बनाई है 3 रुपये का SL लगा के, तो ये फ्यूचर्स के अंदर मेरा 45 पे शॉर्ट हो गया है। सो बी रेडी फॉर दैट, देखते हैं। 1000 क्वांटिटी शॉर्ट हुई है, 3 रुपये का SL है, इसमें ज़्यादा बड़ा टारगेट्स तो मेरे को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन इसने डे हाई, ओके, इस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक होना चाहिए था। इस कैंडल का हाई है 386.5, इसका हाई 386.5 ही है। ओके, चलिए हम यहाँ तक वेट करेंगे 87.86, अगर हाई मारेगा तो एग्जिट कर जाएंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे। तो ट्रिगर पेंडिंग जो है 100 क्वांटिटी का वो ये है, 86.45 पे बेचा है, 86.10 आ गया है, 350 का प्रॉफिट। अगेन चलिए 1 रुपये का टारगेट मैं बिलीव करता हूँ यहाँ पे मुझे मिल जाए तो वो भी काफ़ी है, क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ गाइस, तो इसीलिए थोड़ा सा डर होता है फ्यूचर्स के अंदर। तो अभी 350 कुछ का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन सेलर नीचे बैठा हुआ है। सो वेट करते हैं M&M, और चलिए वेट कीजिए गाइस, देखते हैं क्या बनता है। हे गाइस, यहाँ पे कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ आ गई है, तो अभी 87 या फिर 86.75 के करीब करीब यहाँ पे मैं एग्जिट करने की कोशिश करूँगा। 86.5 पे देखते हैं, अगर ये मुझे मिल जाता है, वैसे तो कैंडल क्लोज नहीं दी है, तो मैं यहाँ पे अपना ये जो 1000 क्वांटिटी का टारगेट है ये वाला, आप इसको रखता हूँ नीचे की तरफ। 386.65 पे ही मैं एग्जिट करने की कोशिश करूँगा, अगर ये मुझे मिल जाता है तो। चलिए गाइस नीचे की तरफ, गाइस मैंने एग्जिट कर दिया है। 200 रुपये का जो है मैंने 1000 क्वांटिटी के साथ जो इसको ट्रेड किया था उसके अंदर रिस्क जो है वो ले लिया है, ठीक है, मतलब मैंने एग्जिट कर दिया है। देखिए गाइस, अपने लेवल्स पे आपको बने रहना चाहिए। मेरे को ये पता था कि ये इसके ऊपर जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, और वही चीज़ मैंने की है, ठीक है। अभी ये जाता है ऊपर तो जाने दीजिए, मैंने छोटी सी क्वांटिटी, देखिए 1000 क्वांटिटी के अंदर सिर्फ 200 रुपीज़ का मैंने लॉस जो है वो लिया है। अभी मैं वेट करूंगा इसके ऊपर जाने का, या फिर ये कैसा कंसोलिडेट करता है कैसा नहीं, फिर जाके ट्रेड लूँगा। फिलहाल अभी के लिए मेरे 2 ट्रेड जो हैं वो गलत पड़ चुके हैं। सुबह इसके अंदर 200 कुछ का प्रॉफिट आ रहा था जो मैंने बुक नहीं किया, वेट करूंगा, क्योंकि इसका जो स्टॉप लॉस है वो 392-393 के करीब करीब मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो वेट करेंगे नीचे आने का इसका, देखते हैं नीचे कब आता है कब नहीं आता है, फिलहाल के लिए तो अभी ये बाउंस मार गया है। हे गाइस अगेन वेलकम, अभी मैं M&M के अंदर एग्जिट करने वाला हूँ, क्योंकि इसने हाई मार दिया है अपना डे का, तो अब यहाँ से चांसेस आर वेरी हाई कि ये और ऊपर जाए। तो 391 पे मैंने एग्जिट किया है 237 रुपये का, कुल मिलाकर 437 रुपीज़ का लॉस जो है वो हुआ है। चलिए वेट करते हैं, नहीं ये रुक पाया, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, रुके 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 रुके, बट ये ऊपर जो था वो जाता जा रहा है और हाई जो है वो लगाता जा रहा है। कोई बात नहीं, वेट करते हैं गाइस, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। सो अभी तक तो ये नहीं, देखिए हमारे लेवल पे मिलता तो काफ़ी अच्छा था। इस जोन को इसने क्रॉस कर दिया है, ऊपर जा रही है, मार्केट भी ऊपर जाने की ही कोशिश कर रही है। मैं निफ्टी को भी देख रहा था, बैंक निफ्टी को, ये भी काफ़ी ऊपर आ गई, 615 कुछ आ गई है। वेट करते हैं एक बार रिट्रेस का और फिर देखते हैं क्या बनता है। हे गाइस अगेन वेलकम, यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी को बाय करने वाला हूँ 567 पे। टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 30-20 पॉइंट का ही टारगेट है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर मुझे नीचे मिल जाती है 60-50 के करीब तो वहाँ सही रहेगी। लेट्स सी, वेट करते हैं 69। मैं आपको रीज़न इतनी देर बता दूं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। चलिए इस कैंडल का हाई मारता है तो हम खुद ही बाय कर लेंगे 573, मतलब इस कैंडल का हाई बजेगा तो हम खुद ही बाय कर लेंगे, ठीक है। वेट करते हैं एक बार थोड़ा सा, या तो इस लाइन के पास आना चाहिए या फिर इसका हाई टूटना चाहिए गाइस, तो इसमें से जो भी चीज़ पहले होगी वो चीज़ हम करेंगे। लेट्स वेट, स्टॉप लॉस गाइस ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्टॉप लॉस होगा यहाँ तक, मैक्सिमम मैं इस लेवल का स्टॉप लॉस लेके चलूँगा, यानी कि 524, या फिर इस लेवल का भी ले सकता हूँ जो कि 531 कुछ का है, ठीक है।
ऑलमोस्ट 519, 531 कुछ का, 560-70 का ही मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, इससे ज्यादा नहीं गाइस। नीचे आने देते हैं, ये तीन कैंडल्स बन रही हैं। चलिए गाइस देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं, या तो मैं यहां पर आए करूंगा या फिर या कहीं इस कैंडल पे बाय करूंगा। तो देखते हैं, इस जोन के बाहर या फिर इस जोन के पास, ठीक है? तो इन दोनों में से कहीं एक साइड पे मैं जो है वो बाइंग करूंगा। सो लेट सी, ये ऊपर जाने वाली है। चलिए गाइस, ऊपर की तरफ बाय करना होगा मुझे। तो 583 पे हम कर लेते हैं बाय, और एसएल होगा यहां से 70-80 पॉइंट का, ठीक है गाइस? ओ शिट गाइस, मैंने सेल कर दी है, मैंने बाय करना था। अरे यार क्या चल रहा है ये, गाइज मुझे यहाँ पे सेल करना था, बाय करना था। चलिए इसको एग्जिट करते हैं जितने पे भी है। आज का दिन खराब है गाइज, 100 रुपीज 5। यहाँ पे मुझे इसको बाय करना था और मैंने एस गलती से सेल कर दिया। चलिए 20 क्वांटिटी यहाँ पे हम 17,585 पे ही अब बाय करेंगे। टारगेट होगा यहाँ से 90 पॉइंट का, एसएल होगा यहां से 100 पॉइंट का, ठीक है? तो अभी वेट करते हैं। देखिए अभी एक बड़ी सी कैंडल बनी थी, देखते हैं इसके ऊपर जाता है तो बाय करते हैं, ठीक है? या फिर यहां आएगा तो बाय करेंगे। अब जिस लेवल पे एक बार हमने एंट्री कर ली, समझ लीजिए वो लेवल हमारे लिए गलत था या सही था। हाँ चलिए गाइस, कोई इश्यू नहीं है, वेट करते हैं थोड़ा सा। देखिए यहां से सेलिंग प्रेशर भी आया है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं आपको पूरा लेवल बताऊंगा मैं इसको क्यों बाय कर रहा हूं यहां पे। एक मिनट जस्ट वेट कीजिए, अब मैं इसके ऊपर ही बाय करूंगा 580 के ऊपर, या फिर यहां मिल जाए तो वेल है। 562 60 पे 20 क्वांटिटी गाइस मैंने बाय कर ली है। चलिए ये मैंने बाय साइड ऑर्डर लगा दिया है गाइस, तो देखते हैं मिल गई या नहीं। मिल गई गाइस। अभी गाइस इसके अंदर मेरा जो एसएल होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 460 है। मैं इसको भी हटाकर 495 कर देता हूँ। 17,495 का मैंने एसएल लगा दिया, ठीक है? और यहाँ पे मेरा जो टारगेट होगा वो 650 के बजाय होगा 17,695। इन दोनों में से एक चीज मुझे चाहिए गाइस। सो दिस इज ओवरऑल अवर पोजीशन। तो अब मैं आपको रीजन भी बताता हूं मैंने इसको बाय क्यों किया है। ये क्या लग गया। चलिए सबसे पहले तो मैं एसएल लगा देता हूं 509-510 का, ठीक है? एक मिनट वेट कीजिए, 495, ठीक है? मैं एसएल लगाऊंगा गाइस यहाँ पे 498 रुपीज का, 498 रुपीज का गाइस मेरा यहाँ पे एसएल होगा। इससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है? तो 50 पॉइंट का नियर अराउंड गाइस मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया है। आप देख सकते हो, मैं आपको ऑर्डर बता दूं, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर जो है वो मेरा 560 पे हुआ है। सो 560 नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें, माइनस 498। तो गाइस 62 × 20 क्वांटिटी, तो नियर अराउंड 1240 रुपए का मैंने यहां पे रिस्क लिया है। और जो मेरा टारगेट होगा निफ्टी बैंक के अंदर गाइस, वो होगा ये लेवल, यानी कि 654 का ही टारगेट बनता है गाइस। बात तो सही है, यहां तक या फिर यहां तक 706-696, ठीक है गाइस? लेट्स सी, थोड़ा ऊपर जाएगी तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा। अब मैं आपको रीजन बताता हूं इसके पीछे क्या रीजन है, मैंने इसको क्यों बाय किया क्यों नहीं किया। बाकी चलने देते हैं हम अपने एसएल। एसएल मैंने यार यहां पे रखा है, याद रखिएगा 508 के करीब, 495 थोड़ा सा नीचे रखा है मैंने यहां पे इस कैंडल के पास। अब मैं आपको रीजन बताता हूं कि मैंने इसको क्यों बाय किया है, ठीक है गाइस? ध्यान से एक चीज समझिएगा, जो चीज समझने वाली है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल है और प्राइस एक्शन भी इसके अंदर है गाइस। यहां पे आप एक चीज देखिए, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे
यहां पे मार्केट इस रेजिस्टेंस को फेस करते हुए नीचे आ रही थी, बट मार्केट ने यहां एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये सेकंड ब्रेकआउट दिया गाइस, यानी कि मार्केट ने ये वाला लेवल तकरीबन तोड़ दिया है, तो टारगेट कहीं ना कहीं यहां पे बनता है, यहां पे इस लेवल पे, ठीक है, और या फिर मार्केट इस लेवल तक एक बार आनी चाहिए, पहला इसके अंदर ये रीजन बनता था। अब काफी सारे लोगों ने यहां पे बाय किया होगा और गाइस अपना जो स्टॉप लॉस है काफी सारे लोग जो है वो फर्स्ट सपोर्ट के पास रख देते हैं जो कि ये वाली है, ठीक है, सबने यहां पे अपना स्टॉप लॉस रखा होगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट उसके बाद नीचे आई, कुछ लोगों ने यहां पे ये चीज भी देखी होगी कि ये भाई ब्रेकआउट आया है नीचे की तरफ, यहां यहां यहां, ठीक है, नो डाउट यहां पे सबने देखा होगा ब्रेकआउट आया है गाइस। उसके बाद देखिए मार्केट जो है वो यहां तक आई, मार्केट ने इसका जो जिन्होंने यहां पे स्टॉप लॉस रखा था उसको हेट किया, ठीक है, उसके बाद ऊपर चली गई, दोबारा अगेन ऊपर गई। अब मैं यहां पे आपको एक चीज बताता हूं, समझिएगा इस चीज को, मैंने तभी एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखा है कि अगर ये सही ब्रेकआउट होगा तो हमको प्रॉफिट आ जाएगा गाइस। अब आप यहां पे देखोगे कि जब ये नीचे आना शुरू हुई यहां पे यहां पे यहां पे, तो गाइस यहां पे इसने ये कैंडल पे दिया ब्रेकआउट, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद देखिए इसने सेकंड कैंडल पे भी ब्रेकआउट दे दिया गाइस। अब यहां से एक बार ये यहां यहां या फिर यहां, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो हमारा पहले वाला टारगेट है, याद रखिएगा जो ये वाला टारगेट है, ये जो बचा हुआ है, मैं यहां एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं नियर अराउंड यहां पे, तो यानी कि 662 तक एक बार मार्केट को यहां से आना चाहिए, ये मेरा मानना है, अगर मार्केट इस लेवल को नहीं ब्रेक करती है 510 को, ठीक है। तो मैं जो आपको बोल रहा था कि मैं इसके ऊपर बाय करूंगा वो यही रीजन था, ऊपर वाला रीजन तो बनता ही नहीं था। नीचे वाला जो रीजन है वो ये था कि जब इसको ब्रेकआउट किया है तो मार्केट कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, और मार्केट मैंने वहीं देखा कि अगर यहां से सपोर्ट लेती है तो मैं एंट्री लूंगा, ठीक है। मार्केट यहां पे आई नहीं, एक बार फिर ऊपर चली गई, तो मैंने यहां पे एंट्री लेने की कोशिश की, सेलिंग हो गई, कोई इशू नहीं है। अभी अपना जो एसएल है गाइस यही होगा, क्योंकि मार्केट ने एक बार सबका एसएल यहां पे हिट किया है, ठीक है, तो अगर दोबारा इसके नीचे गई तो मतलब कि मार्केट ने ये जो एसएल लोगों के हिट किए ये बिल्कुल सही पर्पस से किए, मार्केट को नीचे ही जाना है यहां से, फिर मार्केट यहां से और नीचे चली जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने 490 498, यानी कि ये जो कैंडल है आप यहां पे देख रहे हैं, इसके पास अपना एसएल रखा हुआ है कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट इसके नीचे ही जाएगी, अदरवाइज मार्केट इसके ऊपर घूमती रहेगी और नियर अराउंड हमारा जो टारगेट है 653 का हमें दे सकती है, ठीक है। तो अभी बिल्कुल एक छोटा सा एसएल लगा के मैंने यहां पे बाइंग की हुई है, देखते हैं कैसा रिएक्ट करती है कैसा रिएक्ट नहीं करती है, एक बार इस लेवल पे घूम जाए, क्योंकि गाइज यहां पे ना दो माइंड बनते हैं कि मार्केट सबसे पहले ये वाला ब्रेकआउट देगी, लेकिन उसके बाद ये भी तो है कि यहां पे भी तो ब्रेकआउट आया था, ये वाला टारगेट अभी भी अचीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे मैंने जो पहला वाला टारगेट है उसको अचीव करने के लिए मार्केट को बाय किया है, एंड आई बिलीव मार्केट 653 तक यहां से जाएगी, तो 100 पॉइंट का ही गाइस टारगेट जो है वो मिल रहा है। तो पेंडिंग ऑर्डर में हम जाते हैं, 695 मैंने कुछ लगाया हुआ है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, देखते हैं 15 मिनट गाइस मैं वेट करूंगा, अगर 15 मिनट के अंदर मार्केट मुझे प्रॉफिट नहीं देती है तो मैं कोशिश करूंगा यहां से एग्जीक्यूट करने की, हो सकता है फिर मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि भाई मैं भगवान नहीं हूं, आप लोग सोचो, तो गलत भी हो सकता हूं, मेरा लेवल गलत भी हो सकता है सोचने का, मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ ही जा रही हो, तो लेट्स वेट एंड वॉच। 12:20 पे एंट्री ली है, कोशिश करेंगे तकरीबन हम 12:35 पे एग्जिट करने की, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं, अभी ओवरऑल हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं, तो गाइस वेट कीजिए प्लीज। हे गाइस, जैसा कि एक्सपेक्टेड था मार्केट अप जाएगी, आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने एक ऊपर की रैली दिखाई है, एंड 653 कुछ का टारगेट है। यहां पे मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है, 1100 कुछ का गाइस यहां पे हमें प्रॉफिट, 1400 का प्रॉफिट होना शुरू हो चुका है। लेट्स सी, देखते हैं मार्केट कहां तक जाती है। यहां तक गाइस 651 तक का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, ठीक है। तो गाइस मैंने छोटे छोटे ट्रेड ही लिए आज, और ये हमारा ट्रेड सही रहा, अभी इंटरनेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। लेट्स सी, एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, मेरे को 653 तक का गाइस टारगेट मिलता है, मतलब यहां तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं मार्केट जाएगी 651 तक। तो अभी ऊपर तो आई है, बट
चलिए हम 596 के प्रॉफिट के साथ चल रहे हैं, 1300 कुछ का प्रॉफिट चल रहा है 622 का। गाइस 653 तक मैं मानता हूँ, तो मैं वो टारगेट लगा के चलता हूँ। यहाँ पे 695 थोड़ा सा मुझे दूर दिख रहा है, तो 653 देखते हैं अगर आता है तो। ठीक है, देखिए मैंने छोटा सा एसएल लिया था आपके सामने, मैंने छोटा सा बिल्कुल ऐसा लगाया था क्योंकि मुझे पता था मार्केट ने जानबूझ के यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस को हिट किया और अब मार्केट को ऊपर ही जाना था। तो देखिए यहाँ तक एक टारगेट बनता है, यहाँ पे अभी मार्केट ने हिट किया है और इसके बाद जो टारगेट है वो यहाँ पे बनता है 662 का। तो गाइस 653 का चलिए लगा के चलता हूँ, पेंडिंग में अगर जाती है मार्केट तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमें लॉस हो जाएगा। अभी गाइस मैं एक काम करने वाला हूँ, अपना जो एसएल है वो यहाँ लेके आऊँगा। आई बिलीव अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो अब मार्केट 536 के नीचे नहीं जाएगी, तो यहाँ से 510 या फिर मैं देखिए 551 पे ली है तो 529 का मैं एसएल जो है वो अब लगाने वाला हूँ। चलिए मैंने 529 कुछ का एसएल लगा दिया है, लेट्स सी देखते हैं इसके बाद अब मार्केट कितना ऊपर जाती है। अभी 1100 कुछ का प्रॉफिट चल रहा है, तो गाइस वेट कीजिए प्लीज। हे गाइस अगेन वेलकम, वी आर इन प्रॉफिट एंड यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरा टारगेट हिट हो चुका है। और गाइस देख लीजिए, रिफ्रेश मैंने कर दिया है एक बार एंड गाइस अपना हिट हो चुका है टारगेट और 1948 का प्रॉफिट हो गया है। सो दिस इज टुडे आवर प्रॉफिट 1511 रुपये, जैसा एक्सपेक्टेड था। गाइस देखिए मार्केट जो है वो बहुत तेज है, मार्केट हमेशा आपको नीचे की राह दिखाएगी बट वैसा होता नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैंक निफ्टी का ट्रेड कैसे मैंने लिया एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बिल्कुल गाइस, छोटा सा मैंने एसएल लगाया, मैंने ज्यादा बड़ा एसएल नहीं लगाया। तो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड किया जा सकता है 50 पॉइंट 70 पॉइंट की मूवमेंट के साथ, लेकिन ट्रेड पता होना चाहिए कैसा होना चाहिए। देखिए मैंने यहां तक टारगेट एक्सपेक्ट किया था, यहां पे ये 536 540 बता रहा है, मैंने यहां तक 49। एक्चुअली क्या होता है, जो प्राइस होता है सही वाला वो आगे ज्यादा चलता है। ठीक है, तो होप सो आप लोग देख सकते हो पहला ट्रेड मेरा गलत पड़ गया, दूसरा ट्रेड सही पड़ा। तो आज का जो प्रॉफिट है वो 1511 रुपये है। देखिए कैपिटल काफी ज्यादा है, मैंने यूज नहीं की है एंड ठीक है जैसा भी चलेगा देखते हैं। कल से हम ट्राई करेंगे ज्यादा यूज करने की, M&M के ऊपर मैं ट्राई करूंगा। अभी भी देखिए मैंने ये सुबह वाला लॉस बुक किया हुआ है, तो वेट करना पड़ता है गाइस। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए प्लीज।